मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष की अगुवाई में सिविल लाइन चौराहा स्थित चौपाटी पर सतना में किसान न्याय यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। ज्ञापन सौंपने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के साथ दर्जनों ट्रैक्टरों में सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसान न्याय यात्रा चौपाटी से शुरू होकर राजेंद्र नगर, जवाहर नगर, धबारी चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। कांग्रेस नेताओं ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विनय सक्सेना की अगुवाई में कलेक्टर के प्रतिनिधि एसडीएम रघुराज नगर नीरज खरे को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस के आक्रोश को देखते हुए पुलिस की टुकड़ियों को तैनात किया गया था। न्याय यात्रा प्रारंभ होने के पहले से ही पुलिस जवानों ने पूरी तैयारी के साथ पोजीशन ले रखी थी। आज पूरे प्रदेश का किसान इस तरीके से परेशान है, आज उन्हें उनकी फसलों की कीमत नहीं मिल रही है, समय पर बिजली नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल पा रही है और आज उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा के जेल भेजा जा रहा है, जबरदस्ती रिकवरी की जा रही है। अगर कोई एक आध आदमी बिल ना जमा करे उसका दंश पूरा गाँव झेल रहा है। कई गाँव ऐसे हैं जो अभी भी अंधेरे में है और सरकार से अगर बोला जाए, अगर अधिकारियों से बोला जाए तो वो दुहाई देते हैं कि क्या आपने भाजपा को वोट दिया था। मतलब ये स्थिति हो गई है गांवों में, क्षेत्रों में, कि जिन पोलिंगों में, जिन गांवों में भाजपा को वोट नहीं पड़े उन गांवों में बिजली देना मुनासिब नहीं समझ रहे लोगों को। समय पे खाद नहीं, नकली खाद आपने देखी, नकली खाद की बोरी आपने सरकार में देखी, क्या हो रहा है, इस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या कर रहा है सरकार। तो आज कांग्रेस ने पूरे प्रदेश व्यापी, पूरे प्रदेश में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में आज हर मुख्यालय में किसानों की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है और इस उम्मीद के साथ कि सरकार सुनेगी, अगर नहीं सुनती है तो आगे ये आंदोलन सड़कों पे भी आएगा। हाँ, जिला कांग्रेस कमेटी सतना के द्वारा जो है राज्यपाल महोदय को संबोधित करके किसानों को फसलों का मुआवजा और किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें वो ट्रैक्टर्स के द्वारा आए थे और ज्ञापन देकर समाप्त करें। उनकी मुख्य समस्या जो किसानों की मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए और कुछ और भी मांगे हैं कि राहुल गांधी को आतंकवादी कहने वालों को सजा दी जाए, इस तरह की कुछ मांगे हैं उनके। बिल्कुल कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी।